कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो कॉम्प्लेनेंट उसने बोला कि एक गैंग है जो उनको कैसे भी फेसबुक से इंस्टाग्राम से पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उनसे बातचीत करके काफ़ी लंबे टाइम बाद उनको बुलाता है। तो जब हमारा कंप्लेनेंट ऐसे ही एक लड़की जो उसने काफ़ी पहले 1 या 2 साल से उससे फेसबुक इंस्टाग्राम पे दोस्ती की, जब उससे बातचीत होती रही, तो उसे कल मिलने के लिए उसको बुलाया। तो जब वो उससे मिलने पहुंचा तो उसके बगल वाले रूम में एक फेक जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन, एक फेक पुलिस पर्सनल, वो पहले से वहाँ मौजूद थे। सडनली कंप्लेनेंट ने बताया कि जैसे कुछ ही देर में दरवाजे पे नॉक हुई और एक फेक मीडिया पर्सन ने एंट्री ली। उसने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये मैं आपकी कंप्लेन करूँगा, मैं पुलिस को बुलाऊँगा। उसके कुछ ही देर में पुलिस, जो फेक पुलिस पर्सनल से उन्होंने एंट्री ली, उन्होंने बोला कि आप यहाँ ये कर रहे हो, आप पर केस होगा। और सडनली उसके बाद ही एक जो लेडी है मसरत, जिसका नाम है, वो क्राइम ब्रांच एज अ पोजिंग एज अ पर्सनल ऑफ क्राइम ब्रांच, उसने सडनली एंट्री ली। उसने बोला कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, आप पर केस होगा। एंड फिर उसने बोला कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसने टू सेटल द केस उसने बोला कि हमें कुछ पैसे दो, शी ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्टेड सम मनी। तो इसी बहाने पहले उससे चेक लिया एक, जब चेक ले लिया तो उससे बोला कि चेक से नहीं होगा, हमें कुछ और पैसा चाहिए। तो फिर उसने कुछ पैसे अपने दोस्त के थ्रू ट्रांसफ़र कराए। जब उससे भी नहीं हुआ तो उसके पास कुछ कैश डला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास कैश है वो भी दे दो। जब ये सारा हो गया, जब उससे और डिमांड की, तो उसने बताया तुरंत ही, जैसे इन्फॉर्मेशन निकली उसके घर वाले वहाँ मौके पर पहुँचे, उन्होंने देखा और उसको पूरा पकड़ा गया। फिर उन्हें उसके हिसाब से हमने देखा है कि जो इस तरह के क्राइम हैं, ये जिसमें एक फेक स्टोरी या अफेयर का नाम देके एक विक्टिम को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद फेक पर्सनल जाके उसको ब्लैकमेल करते हैं, और पूरा गैंग अरेस्ट हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाकी जो भी निकल के आएगा उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। हमने रिलेवेंट सेक्शंस के अंदर केस रजिस्टर किया है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। सर, थोड़ा बहुत आपसे ये यहाँ पे जानना चाहेंगे, इसमें अपडेट रिपोर्ट एक जर्नलिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता रहा है, तो काफ़ी अनरजिस्टर्ड पोर्टल्स हैं यहाँ पे जिनके ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं, तो क्या कार्रवाइयाँ रहेंगी ऐसे पोर्टल्स के खिलाफ भी, क्योंकि इसमें माइक आईडीज भी काफ़ी हमने सारी देखी। देखिए, अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ही हमें कुछ निकल के आता है, क्योंकि अभी हम इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं, अभी हमें जो हमारा अक्यूज है उससे हम बातचीत कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे, और जो भी एक्शन लेंगे वो आपको बताएंगे, रिलेवेंट एक्शन आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। देखिए, अभी तो एक ही है, लेकिन जिस हिसाब से हमने फ़ोन जो है इनके हमने रिकवर किए थे, फ़ोन की अभी जांच चली रही है, तो अगर उसके बाद हमें कोई क्लू मिलता है तो उसके बारे में अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक, क्योंकि जब से ये ट्विटर पर श्रीनगर पुलिस ने अपलोड किया है, उसके बाद से अभी तक एज सच कोई इंडिविजुअल तो सामने नहीं आया हमारे पास, लेकिन अगर हमें उनकी फ़ोन के थ्रू अगर कुछ मिलता है तो हम उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे।